भाई मतलब देख लो यार कितना ज्यादा भीड़ है, देख रहे हो ये देखो। और फिर ट्रेन आने वाली है, वो देखो वो ट्रेन भी आ चुकी है। तो मतलब सोचो ना, मेरे से ख्याल से ना यहाँ पे इसका लास्ट हो जाती है जी। यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म उस तरफ है, बट बंदे लोग इधर से भी चढ़ रहे हैं। ये तो गलत है यार, ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए। अगर कुछ हो गया ना फिर तो लेने का देनी यार, बट ये लोग समझते नहीं है ना। देखो अभी ट्रेन आ भी रही है, उस तरफ काफी सारा पैसेंजर है और फिर पटरी के नीचे भी काफी सारा पैसेंजर है, देख लो। और ये अपना मस्त वाला ट्रेन आ रहा है। तो ये भीड़ है ना कि कुछ लोग तो ऐसे ही लौट जा रहे हैं, देख के ही लौट जा रहे हैं, दूसरे ट्रेन से जाएंगे, इतना भीड़ हो जाता है। ये देखो भाई इतना सारा बंदा, इतने सारे बंदे, ये देखो पानी के लिए शिकायत कर रहा है यार, पानी नहीं आ रहा उसमें। हेलो यूडो फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस आज अपन लोग अपना बिहार शरीफ का रेलवे स्टेशन जाने वाले और फिर आप लोग को दिखाने वाले गाइस कि अपना बिहार शरीफ का रेलवे स्टेशन कैसा है। और फिर वो मॉडिफाई हो रहा गाइस, बन रहा है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो आपको वो भी दिखाएंगे गाइस। तो चलो अभी चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस मेरे साथ है अभिषेक और मैं, अभिषेक राइड करेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा और अभी बस फटाक से स्टेशन जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सारा कुछ। क्योंकि इस टाइम ना 5 बजे एक ट्रेन भी होती है, जो कि ट्रेन भी खुलने वाली होगी मेरे से ख्याल से, बट अभी 4 बजा है तो अभी 1 घंटे और है। तो अभी अपन लोग जल्दी से चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं गाइज सारा कुछ स्टेशन के बारे में। तो ये देखो गाइज अभी हम लोग निकले हैं, अभी रास्ते में जस्ट, और ये अपना स्प्लेंडर मस्त वाला, और फिर ये भी सेखेगा जो कि राइड कर रहा है। तो अभी तो रास्ते में है और फिर ये हुआ कर रहा है, और फिर इधर देखो गाइज, ये देखो इधर भैंस भैंस है काफी सारा, तो इन लोग भी मतलब चर रही है अभी। ऐसा बोलते ना गांव में चराना ही बोलते ना, भैंस चराना या फिर और भी कुछ, तो वही भैंस चर रही है। और अभी हम लोग मस्त वाला बाइक से जा रहे हैं, तो बस जल्दी से पहुंच जाए यही आशा करते हैं। और फिर ये देखो रोड का हाल, मतलब रोड का पासिंग हुआ है कब का, अभी तक कुछ बनाया नहीं है, बट ये गिट्टी इतना ज़्यादा आ चुका ना गाइस, इतना ज़्यादा ना कि इस पर टायर वायर फटने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। मतलब 100 में बोलो ना तो 90% तो चांस होती है गाइस फटने की, क्योंकि बहुत सारा टायर फट भी चुकी है। एक साइकिल का फट गया, बाइक का तो पूछो ही मत कितना ज़्यादा फटा है। तो ये देख लो काफ़ी नुकीला नुकीला सा, और फिर ये अपन लोग मस्त वाला ये फ़ोन में ब्लॉग बना रहा है, और फिर ये अपना मस्त वाला कैप ये देख रहे हो ना मिरर में, बाइक काफ़ी मस्त है यार। तो गाइस अभी हम लोग बाईपास पार किए हैं, क्रॉस किए हैं लाइक, और फिर ये अपना रोड, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ से तकरीबन बोले ना तो कितना बोल सकते हैं, अप्रोक्स 7 किलोमीटर, हाँ आराम से 7 किलोमीटर आराम से बोल सकते हैं गाइस। तो यहाँ से भाई अभी 7 किलोमीटर है। अब ये देखो इधर का नज़ारा, ये भी सही है। और अभी तो हम लोग इधर ही पहुँचे हैं, लाइक कितना टाइम लगेगा यार पता ही नहीं चल रहा है अपने को। भाई स्लो मत चला, थोड़ा सा तो फास्ट चलाना पड़ेगा अपने को, तो जल्दी से जानी है ना तो फास्ट तो लेनी पड़ेगी। टाइम देख रहे हो अभी 4:30 हुआ है, 5 बजने वाला है, मतलब आधे घंटे और है 5 बजने में। और धूप भी काफ़ी तगड़ा वाला है और फिर जाम भी काफ़ी सही है। रस स्टार्ट हो गया गाइस, जरा सोना भाई अच्छे से ब्रेक मारा कर। अभी अभी ना अभी गाइस अभी ऐसा हो गया था ना, मैं फ़ोन के साथ आगे चला जाता, ऐसा ब्रेक मारा ना इसने, इस बंदे ने ऐसा ब्रेक मारा ना, देखो इसको, इस टकले को देखो। बट कोई ना, अच्छे बच गए यार हम लोग। अभी जल्दी से बस चलते हैं, जल्दी जल्दी से पहुंच जाए बस, यही सही है। ट्रेन आने से पहले पहुंच के फिर तो होगा आज, मतलब काफ़ी मस्त वाला सही रहेगा यार। वो तो कुछ भी नहीं था, इधर का रस देख लो, इस साइड का पूरा ओपन है और फिर इस साइड का देख लो, जैम ही जैम है गाइज। मतलब जितना सोए थे उससे ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने को मिली रस।
बट ये तो कुछ कम रस अपन लोग निकल गए, उस टाइम वीडियो बनाने का याद ही नहीं रहा अपने को, क्योंकि देखो अभी मेरा 64 GB का स्टोरेज है फ़ोन में, और फिर कंटिन्यू अगर अपन लोग वीडियो ऐसे बनाते रहे तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा, इसीलिए कहीं कहीं अपन लोग बंद करते हैं फ़ोन को। सो फाइनली गाइज माई डेस्टिनेशन इज कम्प्लीटेड, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन, सो आई विल शो यू गाइज जो चीज़ मैंने आपको बताया था ना वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहना गाइज, वीडियो को इन्जॉय करना, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम के बाद फर्स्ट टाइम मैंने कोई स्टेशन को रिवील करा है, वो भी गाइज अपना होम टाउन का स्टेशन, तो समझ ही सकते हो। तो चलो गाइज आप लोग को बैक कैमरा से दिखाते, क्योंकि फ्रंट कैमरा से पहले मैं तो दिख जाऊँ फिर स्टेशन देखोगे। तो चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को अपना स्टेशन मस्त वाला दिखाते हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे और फिर ये देख रहे हो ना, ये क्या हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताना गाइज। तो अपना टाइम हो चुका है स्टार्ट और अभी आप लोगों का अपना स्टेशन दिखाने वाले हैं, बट ये देखो ये न्यू वाला बन रहा है और फिर ये काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म ना, इस पर टोटल दो या फिर तीन ही मतलब पटरी थी गाइज, तीन पटरी थी, उसके बाद काफ़ी सारा न्यू बनाया जो कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो ये ओल्ड वाली थी, ये ओल्ड वाली थी और फिर वो वाली ओल्ड है, ये वाली देख रहे हो, ये दोनों ओल्ड थी, बाकी वो देखो उधर सारा न्यू है, ये भी न्यू है, वो भी न्यू है, और फिर ये वाली जो उधर लास्ट में देखा ना ये भी न्यू है गाइज। और फिर गाइज प्लेटफॉर्म ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला प्लेटफॉर्म हो चुका है, ये देख रहे हो सामने एक साइड स्टेशन गाइज, मतलब काफ़ी हेवी वाला बन चुका है, मतलब जो। तो ये देखो भाई गिटियाँ तो काफ़ी सारा ढक गई है, अभी इस पर ना ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है गाइज ये, और फिर इस पर ना, और फिर वो सबसे लास्ट वाली है ना वो देख लो, उस पर ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है फिलहाल, यही दोनों, ये जो दो ट्रैक दिख रहा है ना बस यही दो ट्रैक पे ट्रेन चलती है, और फिर एक ट्रैक उधर है, और फिर इसका स्टेशन का लंबाई मानो ना गाइज तो मेरे से ख्याल से ना पूरा बिहार जो भी स्टेट है ना उसका सबसे लंबा रनवे वाली ये स्टेशन है गाइज, क्योंकि इसका जो रनिंग वाली है ना ये देखोगे ना तो पूरा बिहार में सबसे लंबा वाला यही मिलेगा तुम्हें, और कोई नहीं मिलेगा जो कि न्यू में अभी बना है। इससे पहले उधर की ओर जाओगे ना उस साइड, तो वो गाइज उधर बेना, मतलब यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पे बेना है, उसका भी रनिंग वाला भी इससे लगभग इसी के इतना अप्रोक्स होगा, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मेरा मानो ना, तो जो हॉल्ट होती है ना हॉल्ट से भी बढ़ के ये स्टेशन बन गई, तो सोचो मतलब क्या ही मस्त वाला होगा। और अभी ट्रेन आने का संभावना है गाइज, क्योंकि 5 बजे मैंने बोला था ना एक इंटरसिटी जाती है पटना के लिए, तो वो ट्रेन आने वाली है। ये देखो गाइज मतलब बिहार शरीफ होल्ड से डायरेक्ट से बिहार शरीफ जंक्शन हो गया, पहले भी लोग जंक्शन ही बोलते थे गाइज, बट देखने से होल्ड से ज़्यादा नहीं लगता था, बिहार शरीफ होल्ड ही पहले बोल सकते थे, बट ये जंक्शन पहले भी लिखा हुआ रहता था बट जंक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन अब तो बोल सकते हैं गाइज, अब तो जंक्शन बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। तो पूरा बिहार का सबसे बड़ा स्टेशन अभी मानो तो पटना वाला है, और फिर फतुहा वाला, उसके बाद मानो तो ये अपना बिहार शरीफ वाला होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी हेवी वाला बन चुका है गाइज, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो कब तक कंप्लीट होता है ये मेरे को पता नहीं। तो ये तो गाइज ये तो मान लो ना, तो ये तो बैक से है, नॉर्मली से अपन लोग ये दिखाए ना, अभी मेन आपको ना गेट के तरफ से दिखाते हैं गाइज, तो वीडियो में बने रहना गाइज, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि फ्रंट से ना काफ़ी मस्त मस्त वाला व्यू है, तो जल्दी से चलते हैं आपको फ्रंट वाली दिखाते हैं गाइज। सो गाइज देख रहे हो ना यही अपना स्टेशन है, अभी तो अपन लोग बैक साइड में ही है, लाइक देख सकते हो पीछे के साइड में अपन लोग प्लेटफॉर्म इधर है, और फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना यहीं पे ट्रेन अभी आने वाली है, तो 5 बजे इसी पे आएगी, और फिर पैसेंजर का तो गाइज भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइज, बहुत ज़्यादा, अगर देखोगे ना तो बोलोगे यार कितना भीड़ है। तो अभी पहले चलते हैं फ्रंट गेट की और वहाँ पे आपको दिखाते हैं गाइज। सो गाइज ये देखो भाई, मतलब देख लो यार कितना ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो ये देखो, और फिर ट्रेन आने वाली है, वो देखो वो ट्रेन भी आ चुकी है, तो मतलब सोचो ना मेरे से ख्याल से ना यहाँ पे इसका लास्ट हो जाती है गाइज, यहाँ पे नहीं काफ़ी पहले ही लास्ट हो जाती है, उसका जो इंजन होती है ना उधर पहले ही लास्ट हो जाती है, ट्रेन छोटी पड़ जाती है गाइज, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो देखो अभी मतलब सारे पैसेंजर्स लोग कैसे चढ़ेंगे ना वो भी आपको दिखाते हैं, देखना अभी देखो प्लेटफॉर्म उस तरफ है बट बंदे लोग इधर से भी चढ़ रहे हैं, ये तो गलत है यार, ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए, अगर कुछ हो गया ना फिर तो लेने का देनी यार, बट ये लोग समझते नहीं है ना। देखो अभी ट्रेन आ भी रही है, उस तरफ काफ़ी सारा पैसेंजर है और फिर पटरी के नीचे भी काफ़ी सारा पैसेंजर है देख लो, और ये अपना मस्त वाला ट्रेन आ रहा है। तो ये ट्रेन गाइज 5 बजे मतलब बोले तो 4:30 बजे फिर 4:10 में राजगीर से खुलती है, और 7:30-8 बजे तक पहुँचाती है गाइज, 8-9 बजे के आसपास दानापुर। तो इसमें जितने भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं ना ज़्यादातर तो गाइज पटना राजेंद्र नगर पटना जंक्शन में उतर जाएंगे। तो ये देखो काफ़ी सारे लोग चढ़ रहे हैं यार, काफ़ी सारा लोग, ये देखो ना ये देखो
मतलब कैसे कैसे लटक के जा रहा है ना, ये भी देख लो गाइस, बहुत सारे पैसेंजर है यार, बहुत ही सारे गाइस, सोच नहीं सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे ही लौट जा रहे हैं, देख के ही लौट जा रहे हैं, दूसरे ट्रेन से जाएंगे, इतना भीड़ हो जाता है। ये देखो भाई, इतना सारा बंदा, इतने सारे बंदे, ये देखो पानी के लिए शिकायत कर रहा है यार, पानी नहीं आ रहा उसमें, मतलब पानी नहीं आता है उसमें, प्लस पानी वाला इसको ड्रिंक भी चाहिए पीने के लिए, बॉटल वाला भी, तो बॉटल वाला भी जाएगा। और फिर ये देखो अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, देखो कहीं कहीं ऐसा छोड़ दिया अभी, मतलब बहुत कुछ बैठाना बाकी है ना, तो अभी पूरे तैयार नहीं हुआ है, तो अभी पहले जल्दी से चलते आगे से आपको दिखाते गाइस, क्योंकि अभी तो ट्रेन अब खुल जाएगी, तो खुलने के बाद और भी अच्छे से आप लोगों को दिखा सकते हैं, तो चलो जल्दी से चलते हैं और फिर दिखाते हैं। आज अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रंट से, आगे मेन गेट होती है ना, वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अपन लोग साइड से एंट्री लिए थे, चारों तरफ से अभी घिराया नहीं है ना, तो इसके कारण अपन लोग साइड से एंट्री लेके आपको दिखाए, बट अभी मेन गेट से जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सारा कुछ, तो देखना और फिर बताना यार। पहले गाड़ी से चलो, 300 से या फिर 400 मीटर होगा यहाँ से, अराउंड 400 मीटर या फिर 300 बोल सकते हैं गाइस, 400 नहीं, 400 बहुत ज़्यादा हो जाएगी गाइस, तो 300 या 200। और फिर ये काफ़ी ओपन है ना प्लेटफॉर्म, तो इसी कारण से सारा कुछ बाहर से ही दिख जाता है, सारे पैसेंजर्स तो इधर से ही चले जाते हैं, ये देखो इधर से ही जा रहे हैं कुछ लोग, तो जब पूरा बन जाएगी ना, कंप्लीट हो जाएगी, फिर सारा कुछ कवर हो जाएगा, बट यहाँ से अपन लोग नहीं जाएंगे। ये देखो ये सीढ़ी चढ़ने वाला बन रहा है, तो अच्छा हो गया यार, एस्केलेटर ये सब लग जाती है ना, तो जिनका पैर वैर में प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा सा ओल्ड एज वाले होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी सही होता है गाइस चढ़ने के लिए, मतलब क्रॉस करने के लिए, मैं इधर से उधर सेकंड पटरी, थर्ड पटरी, फोर्थ पटरी, ये सब चेंज करने में ना काफ़ी इजी होता है, तो वो लगना चाहिए यार। और फिर ज़रूरत भी थी हमारी इस स्टेशन पे, तो चलो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच ही गए। देखो ये अपना फ्रंट से कुछ इस प्रकार दिखता है, बिहार शरीफ का रेलवे स्टेशन, ये कुछ इस प्रकार दिखता है गाइस। तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑटो है जो कि पार्किंग का पैसा देता है, और फिर अपना बाइक वाइक का कोई पैसा वैसा है नहीं, बट मेरे से ख्याल से पार्किंग का पैसा लेने लगा है बाइक वाला कभी। तो ये अपना रेलवे स्टेशन है बिहार शरीफ का, अभी बाहर से बना नहीं है, जो भी बन रहा है ना वो अंदर से बन रहा है, बाहर से देखो कुछ साल या फिर ये कम्प्लीट होने के बाद ना बाहर से भी ये लोग बनाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा वाला बन जाएगा यार। तो अभी चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, लेते हैं ना। तो ये देखो इधर टिकट इधर कटता है, बट अभी टाइम हो चुका ना तो बंद हो चुका, उधर की साइड भी टिकट। और फिर ये देखो इंक्वायरी रूम, इधर से इंक्वायरी होता है और फिर इधर से एंट्री। ये देखो भाई एंट्री तो ले चुके हैं हम लोग, ये भाई ये देखो, शर्म आती है गाइज बनाने में थोड़ा, बट फिर भी यार कोई ना यार, अपन लोग शर्म किस बात की। ये देखो इधर से सीढ़ी है, उधर क्रॉस होने वाला, और फिर ये देखो उधर पानी वानी है, पानी वानी पीने के लिए, उधर वो देखो वो बिहार शरीफ देखना वो लिखा हुआ है, और फिर इधर कुछ इस प्रकार है, देख लो काफ़ी सही है यार। फिर तो भाई ये देखो अभी भी काफ़ी इधर रस है, मतलब बोले ना तो अभी एक और ट्रेन क्रॉस करने वाली है, तो कुछ पैसेंजर रुके थे ना ज़्यादा भीड़ के कारण, वो अब इस ये जो अभी ट्रेन आएगी ना उससे चले जाएंगे। और फिर ये देखो अपना बिहार शरीफ जंक्शन, काफ़ी सही लग रहा है ना, सही है यार बिहार शरीफ जंक्शन, तो ये होना भी चाहिए था जंक्शन। होल्ट कब तक रहेंगे होल्ट पे हम लोग, तो बस यही कुछ है और फिर कुछ भी नहीं है गाइज, बस इसके सिवा। और फिर उधर की साइड भी सारा जगह वही लिखा गया, पेड़ था जिसको काट दिया स्टेशन बनाने के लिए। टाइम कितना हो रहा है, 5:11 टाइम हो चुका, बट इस पर क्या हो रहा है, वहाँ पर तो स्टॉप हो चुका, बट ये इसमें देखो फ़ोन में कैसे हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है 5:11। और फिर ये स्टॉपेज लास्ट स्टॉपेज होती है गाइज, वहाँ पर देखो एक रोड क्रॉसिंग है, वहाँ से रोड क्रॉस होती है ना, तो अभी तो फाटक लगा हुआ है क्योंकि एक और ट्रेन आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है आवाज़ आ रही है। देखो ये मालगाड़ी लगता है, देखो ये आ रही है ना, ये एक और ट्रेन है या फिर मालगाड़ी है पता नहीं, बट मेरे ऐसा ख्याल से आप लोगों को क्या लगता है कौन सा ट्रेन है या फिर मालगाड़ी है, बताना गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना इस बारी। तो मेरे को लग रहा है ट्रेन है, और ट्रेन ही है गाइस, ये भी ट्रेन ही है, ये देख लो ट्रेन ही है। ये देखो गाइस ये तो भौकाल मचा देता है यार, ये लोग इतना आवाज़ ही करता है ना भाई, मेरा तो आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सारा ट्रेन का ही आवाज़ आ रहा है। ये कौन सा ट्रेन है पता नहीं, दानापुर ये भी जाएगी, ये देखो हम लोग कंटिन्यू दो दो ट्रेन कर दिए क्या दानापुर का भाई, दो दो ट्रेन कर दिए क्या दानापुर का भाई, दो दो ट्रेन हो गया दानापुर के लिए। अब जो भी बचे हुए पैसेंजर थे ना वो इसी ट्रेन में सारे लोग चले जाएंगे, ये देखो यहाँ भी काफ़ी सारे लोग हैं और फिर इधर भी हैं, तो सारे लोग चले जाएंगे अब इसी ट्रेन में,
इसमें तो एसी बोगी भी है। सही है, तो अभी सारे लोग जो भी बचे हुए थे ना, सारे लोग इससे निकलेंगे और फिर जो भी और बचे हुए रह जाएंगे ना, वो एक और 6:30 बजे ट्रेन है, क्योंकि अभी मेला इधर लगी है ना, मलमास का मेला, इसी कारण से ट्रेन, दो ट्रेन स्पेशल मिला है इधर सारे लोग को घूमने के लिए। तो सही है यार, ऐसा होना भी चाहिए। पहले जब मेला नहीं था ना, उस टाइम सिर्फ एक ही ट्रेन था जो कि 4:50 मतलब 5 बजे के आसपास आती थी और फिर दानापुर जाती थी, उसी से सारे लोग बख्तियारपुर, पटना, राजेंद्र नगर, सारे लोग उसी से जाते थे। बट ये जब से मलमास मेला लगी है ना, तब से बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने दो ट्रेन और स्पेशल छोड़ी है, जो कि अभी एक ट्रेन पास हुई ना, उसके जस्ट 20 मिनट बाद एक और ट्रेन आई है, 10-15 मिनट बाद, और फिर एक और ट्रेन है 6:30 बजे, वो भी जाएगी, तो पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो और फिर जो भी घूमने के लिए आते ना मेला, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए नीतीश कुमार जी को भाई धन्यवाद यार, ऐसा ट्रेन आप लोगों ने दो दो स्पेशल दे दिया, तो काफ़ी सही है, देना भी चाहिए था, क्योंकि गाइज मेला लग रही हो भी राजगीर में, तो देना ज़रूरी था ना। तो थैंक यू नीतीश कुमार जी, आप बहुत अच्छा काम किए हैं दो दो ट्रेन दे के। तो अभी अपन लोग सारा कुछ दिखा चुके हैं और अभी अपन लोग गाइज निकल रहे हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है, अपने को घर भी जाना है। तो अभी सारा कुछ दिखा दिए, तो अभी घर की ओर निकलते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज। यार टायर के साथ ये देखो भाई, पूरा ख़त्म ही हो गया, ये देख लो पंचर हो गया, ऐसा रोड ही है ना, कब से बोल रहे यार, सारे लोग बोलते फिर बन ही नहीं रहा रोड, एकदम इतना घटिया रोड है ना गाइस, सोच नहीं सकते हो भाई, इतना घटिया ना भाई, जब से ये तोड़ा है ना उसके तुरंत बाद इसको बना देना चाहिए था, क्योंकि देखो कितना छोटा छोटा सा कील है, ये देखो ये सब चुभेगी तो क्या होगा टायर के साथ। प्लस आगे में कल का भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था गाइस, परसों का वीडियो में कैसा कैसा नुकीला नुकीला गिट्टी है यहाँ पे, तो यही होगा ना फिर, अब अपने को ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा घर में।